हमेशा विवादों में रहने वाले जिला महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक प्रसूता महिला की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टरों पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। दरअसल पूरा मामला है महोबा के महिला जिला अस्पताल का, जहाँ पर कवरई थाना क्षेत्र के गंज गांव के रहने वाले मनोज ने अपनी पत्नी वंदना के प्रसव पीड़ा होने पर 16 दिसंबर की रात जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचा था। डॉक्टरों ने डिलीवरी कराने के लिए ऑपरेशन करने की बात कही और इसके एवज में 7,000 रुपये मांग की। ऐसे से मजदूरी करने वाले मनोज ने 7,000 रुपये व्यवस्था कर डॉक्टरों को उपलब्ध कराए और तब कहीं जाकर डिलीवरी हो सकी। बीती रात अचानक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पति ने मौजूद स्टाफ और डॉक्टर से इलाज करने की मिन्नत करता रहा, लेकिन अतिरिक्त पैसों की मांग होने पर वे परेशान हो गया। उसके बाद भी मौजूद डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती और उसका सही से इलाज नहीं किया, और जिससे महिला की हालत बिगड़ने लगी और अचानक से सुबह महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को लेकर जमकर हंगामा करते हुए जाम कर दिया। हंगामा की सूचना मिलते ही एसटीएम सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को समझा कर जाम खुलवाया। मृतिका का पूरा परिवार मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। उनका कहना था कि वो लापरवाही से हुई है, इसी रोष में सड़क जाम किए थे। मैंने कहा कि सड़क जाम हटा लीजिए, हम आपकी लिखित में तहरीर दीजिए, जो भी होगा कार्रवाई करें। परिजनों की क्या मांग थी? मांग थी कि वो डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। मैंने कहा कि कोई डॉक्टर जानबूझ के किसी की हत्या नहीं करता है। जांच उनकी होती है, इसी बात नहीं। अभी अभी लखनऊ से दो टीम आई थी, एक पहले एक बच्चे की केस के संबंध में।